वरुण और सनाया की सुपरहिट जोड़ी इस बार शो में नहीं है। इस बात को लेकर फैंस काफी नाराज हैं। इतना ही नहीं, फैंस रोज सोशल मीडिया पर वरुण शिवानी और शो के मेकर्स को खूब स्लैम कर रहे हैं। और करे भी क्यों नहीं, इन दोनों की जोड़ी थी ही कुछ ऐसी कि लोगों के जहन से इनका सुरूर आज तक नहीं उतर पाया है। आपको बताते हैं कौन से हैं वो तीन रीजंस जिनकी वजह से ऑडियंस आग बबूला हो गई है। तो सुनिए, पहला रीजन, अनबीटेबल ऑन एंड ऑफ केमिस्ट्री। 6 जून 2011 को इस प्यार को क्या नाम दूं का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। लखनऊ की मिडिल क्लास लड़की खुशी और बिजनेस टाइकून अर्णव सिंह रायजादा की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। नोकझोंक से शुरू हुई इस कहानी में बाद में रोमांस का तड़का लगा, लेकिन जब रोमांटिक ट्रैक शुरू हुआ तो लोग मानो खुशी और अर्णव के दीवाने ही हो गए। और यही वजह है कि आज तक इनका सुरूर लोगों के जहन से नहीं उतर पाया है। और तो और ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि इनकी केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी काफी पॉपुलर थी। इस शो के बाद सनाया और वरुण बेस्ट बडीज बन गए थे। टीवी की कई पार्टीज में दोनों को खूब मस्ती करते देखा गया है और इसीलिए इनकी जोड़ी को एक बार फिर देखने के लिए फैंस उतावले हुए जा रहे हैं। दूसरा रीजन, टीआरपी में नंबर वन था इस प्यार को क्या नाम दूं शो। जी हाँ, टीआरपी की रेस में ये शो टॉप पोजीशंस पर रहा। करीबन एक साल चले इस शो की टीआरपी कभी डाउन नहीं हुई। मेकर्स को हमेशा फायदा पहुंचाया था इनकी जोड़ी ने। इतना ही नहीं, शो की सक्सेस को देखते हुए ही इस प्यार को क्या नाम दूं पार्ट टू भी लॉन्च हुआ, जिसमे श्रेणु पारेख और अविनाश सचदेव थे। तीसरा रीजन, वेब सीरीज में भी वरुण और सनाया एक बार फिर आए साथ। जी हाँ, 2015 में हॉटस्टार ने 8 एपिसोड्स की एक वेब सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें वरुण सोपती और सनाया ईरानी की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के सामने आई थी। इस वेब शो का नाम था इस प्यार को क्या नाम दूं एक जश्न। टीवी की तरह वेब ऑडियंस का भी खूब प्यार मिला था वरुण सनाया को। अब तक उम्मीद की जा रही थी कि ऑडियंस की डिमांड के बाद एक बार फिर सनाया ईरानी और वरुण सोपती की अनमैचेबल केमिस्ट्री लोगों का मनोरंजन करने एक बार फिर आएगी, लेकिन मेकर्स ने सनाया को शो में नहीं लिया। इस बात पर ऑडियंस काफी नाराज है, यहाँ तक कि शो को नहीं देखने जैसे कमेंट्स भी कर रहे हैं फैन। अब शो की टीआरपी पर इसका क्या असर पड़ेगा ये तो 3 जुलाई के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।